सर, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन इस्लाहात के बाद ही आइनी मुद्दत जब हुकूमत पूरी करेगी तो इंतखाबात कराए जाएंगे। मैं इस फैसले पर आपकी राय जानना चाहूँगी। नहीं जी, सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। अच्छा। और वो इस तरह से है कि सबसे पहले तो हम ज़रा बात करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के। सर, और ख्वाजा आसिफ साहब की जो गुफ्तगू है वो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो वज़ीर दिफा हैं और वो बड़ी कैलकुलेटेड उनकी गुफ्तगू हुई है। वो ऐसा नहीं है कि किसी टीवी टॉक शो में वो बैठे हैं, या उन्होंने गैर मुल्की नशरियाती अदारे के साथ उन्होंने बात की है और उन्होंने बीबीसी के साथ बात की है उन्होंने, और बड़ा एक कैलकुलेटेड इंटरव्यू दिया है उन्होंने, शॉर्ट और दो तीन उसमें सवालात, और उसके बाद वो उन्होंने एक बतौर वज़ीर दिफा एक दो बातें की हैं। ये मैंने कल भी बात की थी और आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ट्रैक 2 के हवाले से ट्रैक 2 कुछ बातचीत ऐसी है जो जलसों में हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हो रही है, मीडिया पे हो रही है, वो पब्लिक पॉस्चरिंग है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो पसे पर्दा हो रही हैं और पॉलिटिकल प्लेयर्स उसमें एक्टिव हैं और उसमें जो है वो कोशिश इस बात की हो रही है कि मुल्क को किसी बड़े इंतशार से रोका जा सके। आज के मैंने कल एक बात की थी कि गवर्नर सिंध की तरफ से बात हुई है कि फौज और अदलिया के बारे में बात ना की जाए, नहीं की जाएगी, और आरिफ अलवी साहब से बात हुई थी साबिक गवर्नर सिंध की। उसके बाद कल जो जलसा इमरान खान साहब का था उसमें उन्होंने वजाहत की कि जब वो न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या वो मीर जाफ़र या मीर सादिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए करते हैं, तो किसी और तरफ उसको ना लेके जाए, मीर जाफ़र या मीर सादिक को। तो कल की तकरीर जो थी वो उस तनाजुर में थी जो बातचीत हुई थी सदर की और डॉक्टर इशरत अली बाद साबिक़ गवर्नर। उसके बाद फिर आज जो है वो कल शहबाज शरीफ साहब यानी आज अर्ली मॉर्निंग शहबाज शरीफ साहब चले गए अपनी कैबिनेट के साथ और लंदन में उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन इसी दौरान ख्वाजा आसिफ साहब का ये इंटरव्यू भी सामने आ गया जो यकीनन उन्होंने जाने से पहले रिकॉर्ड कराया। और इस इंटरव्यू में जो अहम बातें हैं वो ये हैं कि एक तो उन्होंने ये कहा कि जो अगले आर्मी चीफ की तैनाती है उससे पहले ही हो सकता है कि आम इलेक्शंस हो जाएं, और न सिर्फ उन्होंने ये कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि नवंबर से पहले, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती नवंबर में है, तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि उससे पहले निगरां हुकूमत भी चली जाए और एक मुस्तकिल हुकूमत यानी एक ऐसी हुकूमत जो एक मुकम्मल मैंडेट लेकर आए वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करे। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यानी इसका मतलब ये है, तो इसको फिर फौरी तौर पे मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं कि किसी तरह से इस इंतशार को रोका जाए। ये कोशिश अगर कामयाब नहीं होती तो फिर उसके बाद मामला सबके हाथ से निकल जाएंगे। ये मैं एक बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ कि अगर ये 20 तारीख को इमरान खान साहब, ये भी हो सकता है कि 20 तारीख को वो किसी डेट का ऐलान करें, लेकिन उसमें दरमियान में ये ट्रैक 2 स्टार्ट हो चुकी है। ट्रैक 2 यानी पस मंज़र में बातचीत हो रही है और यहाँ पर किसी की फतह, किसी की शिकस्त, या छोड़ दें आपकी ये सोशल मीडिया इधर उधर, जो संजीदा हलके हैं मुल्क में और जो संजीदा लोग हैं वो पाकिस्तान के हालात को उसमें कोई और बाहर की कुव्वतें भी फ़ायदा उठा सकती हैं। और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है, मरीम नवाज़ साहिबा की भी कर दी गई है और बिलावल भुट्टो साहब की भी कर दी गई है, काफ़ी लोगों की कर दी गई है। दो तीन बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से मुनासिब है बताना इस वक्त। एक तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने लंदन जाने से पहले एक उनकी मुलाकात अहम हुई है और वो आम मुलाकात जो हुई है वो हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी मुलाकात हुई है और साथ ही एएनपी के रहनुमाओं से भी हुई है और बाकी इत्तेहादियों से भी बातचीत हुई है उनकी कि इस सूरत हाल में आगे कैसे बढ़ा जाए। और फिर उसके बाद वो लंदन गए हैं। जो मेरे पास जो इतला है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा से ही ये बात कहते रहे हैं कि वो जो है वो इस असेंबली को नहीं मानते और असेंबली को तहलील हो जाना चाहिए था, फौरी तौर पे तहलील हो जाना चाहिए था तहरीक अदम एतमाद के बाद, लेकिन उस अदम एतमाद और इलेक्शंस में जाना चाहिए था। लेकिन जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब इस बात पे कायल हुए कि नहीं, हमें हुकूमत भी करनी चाहिए और ये पूरा 1.5 साल की या 2 साल का जो बाकी मुद्दत है उसे पूरा होना चाहिए। लेकिन गालिबन हतमी फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब करेंगे। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर, इसीलिए आज जरदारी साहब भी उन्होंने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जरदारी साहब बहुत कम, अमूमन ये होता है कि शहरी रहमान साहब आ जाती हैं, शाजिया मरी साहब आ जाती हैं और उनके फैसल करीम कुंडी साहब आ जाते हैं, कायरा साहब आते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जरदारी साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बैठ के। और उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब से बात की है और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। तो जो इतलात हैं वो ये हैं कि ज़्यादातर जो हुकूमत के इत्तेहादी और हुकूमत में लोग थे वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। जरदारी साहब उस पर गालिबन उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ से बात की है और मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर ये मामला इस तरह से होता है कि जी चलें, जरदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं, ऑप्शन से बात कर सकते हैं ना हम, तो अब तो देखते हैं कि कल तक क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन कि अर्ली इलेक्शंस पे हम जा रहे हैं या हम इसको आगे ये चंद महीने के बाद होगा। खुद शीशा साहब ने भी कह दिया कि हम अर्ली इलेक्शंस करवा सकते हैं। ये नहीं कहा कि फौरी, उन्होंने कहा अर्ली इलेक्शंस कोई मसला नहीं है। और एक ऐसी हुकूमत जो कि जिसके पास कोई मैंडेट हो, इखलाकी जवाज़ हो मौजूद रहने का, ठीक है, तो वो एक मतलब वो फिर अथॉरिटी के साथ बात करती है ना। उसके एक बड़ी जमात है, उसके साथ इत्तेहादी हैं, 2/3 नहीं भी है, तो मतलब वो कानून साजी होती है। मतलब ये तो एक पैरालिसिस हुआ हुआ है ना, ना कोई कायमा कमेटी है, ना कोई अपोजिशन है। पंजाब के अंदर आइनी क्राइसिस पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि गवर्नर का ऑफिस ही खाली है। मतलब उस ऑफिस में जो है वो मतलब वो खाली नहीं रह सकता आइनी तौर पे। गवर्नर, ये हमने उस दिन भी बात की थी कि गवर्नर का दफ्तर, सदर का दफ्तर, ये खाली नहीं है, वो खाली है, लेकिन खाली है वो ना। नए गवर्नर आए हैं और पुराने गवर्नर जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो हूँ, लेकिन वो दरवाजे वगैरह बंद कर दिए गए और स्पीकर ने हलफ नहीं उठाया। हमेशा देखें, आप मिसाल के तौर सिंध में सिराज दुरानी साहब हैं, वो हरासत में थे तो भी गवर्नर बड़ा शोर उठा था कि जी वो हरासत में कैसे गवर्नर का हलफ उठा लिया, लेकिन आइनी तौर पे लाजिम है कि स्पीकर हलफ उठाए गवर्नर का। पहली दफ़ा ये है कि पंजाब में कोई गवर्नर, काबीना भी नहीं अनाउंस हो रही, तो मतलब एक अजीब सा मामला है और मुल्क पूरा जो है वो रुका हुआ है अपनी जगह पे। और ये जो इन्होंने जो 2-3 बातें की हैं वो मेरा ख्याल है ऐसी हैं कि जो बड़ी बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पहली बात तो उनकी ये हुई, उन्होंने ये की जो कि मेरा ख्याल है बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्होंने ये कहा कि भाई यानी उस वक्त तक नई हुकूमत आ जाए, मैंडेटेड हुकूमत। यकीनन जो भी आर्मी चीफ होंगे वो ये चाहेंगे, या जाहिर है एक आर्मी के अंदर मैं अपना तजिया गुमान दे सकता हूँ कि एक ऐसा कोई भी ऐसा सेटअप हो जब ये फैसले हों मत के जो एक काबिल कबूल, मतलब एक काबिल कबूल सेटअप हो जो कि नए आर्मी चीफ का ऐलान करें। मतलब ये ना हो कि जी वो एक मतलब आप मुझे बताएं ना कि मौजूदा जो सेटअप है, इस सेटअप में अगर कोई भी बड़ा फैसला, इसमें एक बिल पास नहीं हो सकता। इसमें एक बिल अगर पास होगा और सदर के पास जाएगा तो सदर उसको रोक देंगे। तो मुझे बताएं कल को आर्मी चीफ, पहले तो आर्मी ये या कोई भी हसास अदारे की या किसी और कोई सेंसिटिव आपने कानून साजी करनी हो तो कैसे करेंगे? पहले सारे इत्तेहादी बैठेंगे, फिर काबीना में डिस्कशन होगा, फिर वो सदर के पास भेजेंगे, फिर सदर जो है वो इमरान खान साहब से पूछेंगे, फिर वापस करेंगे। तो एक तमाशा लगेगा। एक वो तमाशा है और एक वो तमाशा है जो सड़कों में लगने जा रहा है और एक वो है जो रियासत जिसके फेरे में आ गई है। और 192 रुपए का 192 पे डॉलर बंद हुआ है और एक रुपया जब गिरता है, अब तो मुझे नहीं पता कि कितने गिर गए, कितना रुपया गिर गया पिछले, मैं पता नहीं हफ्तों में या इसको महीनों में, 1 रुपया जब गिरता है ना कीमत कम होती है, तो 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है मुल्क पे। 135 अरब रुपए का कर्जा बढ़ जाता है पाकिस्तान पे, क्योंकि आपने पैसा वापस करना होता है डॉलर्स की सूरत में और आपके जो टैक्स कलेक्शन होती है मुल्क में या जो यहां पे जो भी आपके वो होता है रुपए में। तो जब रुपया गिरता है, डॉलर मजबूत होता है, तो फिर पैसे आपने डॉलर में वापस करने होते हैं, तो आपको नुकसान होता है।